नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 8 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आप पूछते हैं जो कि ज्योतिष से संबंधित होता है, तो आज का प्रश्न है कि मंत्र जाप करते समय कौन सी उंगली का प्रवेश टच नहीं करना चाहिए, यानी किस उंगली का जब आप मंत्र जाप करते हैं माला के थ्रू तो उसमें कौन सी उंगली टच नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि ये जो तर्जनी उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर होता है गुरु का, जो उंगली होता है इसको बाहर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं धर्म के कारक माने जाते हैं। और अगर आपने मंत्र जाप करते हुए किसी को देखा भी होगा तो मंत्र जाप करते समय ये उंगली जो रहती है बाहर रहती है, एक होल रहता है, और बाकी आप जो ये उंगलियां हैं इन उंगलियों से आप उसको काउंट करते हैं। तो कभी भी तर्जनी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, तर्जनी का स्पर्श, क्योंकि तर्जनी भगवान बृहस्पति खुद हैं और भगवान बृहस्पति की आप आराधना, तर्जनी का कई बार हवन में भी आप नहीं यूज करते हैं, जब हवन यूज करते हैं तो इन्हीं तीन उंगलियों से करते हैं, उसमें तर्जनी टच नहीं होना चाहिए। तो तर्जनी उंगली का टच नहीं होना चाहिए मंत्र जाप में। कई बार जब हम हाथों पे करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो तर्जनी भी आप काउंट कर लेते हैं, वहां पे भी टच नहीं होना चाहिए, इससे बेटर होगा कि माला से कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका है कि कुंडली में नीच भंग राजयोग क्या होता है। देखिए, नीच भंग मतलब हर ग्रह की एक अपनी उच्च और नीच राशि होती है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है और उसमें कुछ ऐसा कंडीशन बन जाए कि वो नीच भंग कर रहा है तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। इसके कंडीशंस जो हैं, सबसे पहला कंडीशन, जिस ग्रह में, जिस राशि में कोई ग्रह बैठा हो नीच का, उसका मालिक भी उसके साथ बैठा हो तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। दूसरा डेफिनेशन इसका ये है कि अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हो लेकिन उसका मालिक उसी कुंडली में जाकर स्वगृही हो जाए या उच्च का हो जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है, अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर उसका जो मालिक है अगर उस राशि को देखता है तो भी नीच भंग हो जाता है। इसके अलावा अगला कंडीशन है कि अगर किसी कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है लेकिन नौमांशा में उच्च का हो जाता है तो उसका नीच भंग होता है। इसके अलावा दो ग्रह अगर नीच के एक दूसरे को देखते हैं तो नीच भंग राजयोग बनाते हैं। नीच भंग राजयोग एक महत्वपूर्ण योग है। नीच भंग जैसे होगा तो जब दशा अंतर दशा चलेगी तो ग्रह आपको चार्ट में दिखाई देगा नीच का है, आपके माइंड में चलेगा कि रिजल्ट तो खराब आएगा, लेकिन वो रिजल्ट अकस्मात अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, यही नीच भंग राजयोग की पहचान होती है। तो नीच भंग राजयोग को जरूर आप चार्ट में देखिएगा, नहीं तो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें योग दुर्योग के सेक्शन में आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कल के पंचांग को लेकर। तो कल की जो तिथि रहेगी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7:58 रात्रि तक, और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र 3:31 दोपहर तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। इंद्र योग 12:04 प्रातः काल तक, उसके बाद वैधृति योग का निर्माण होगा। और करण की बात किया जाए तो बव करण 6:51 प्रातः काल तक, और उसके बाद बालव करण 7:58 रात्रि तक रहने वाला है। कल का जो राहु काल है वो 4:30 से 6 के बीच में होगा। दिशा सूल कल का पश्चिम रहेगा, अर्थात पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्रमा कल तुला राशि में गोचर करेंगे, तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, कल आपके ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य जो रहेगा वो बना रहेगा, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए अच्छा होगा, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी का आपको सहयोग भी मिलता हुआ
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में कल के दिन सुधार होने की संभावना बन रही है और संपत्ति के ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधानी बरती है। रुके हुए कार्य पूरे होने की भी संभावना कल के दिन दिख रही है। 88% तक का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए गणेश जी को हल्दी की गांठ अगर आप चढ़ाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन पेट और गले से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, सतर्क रहिएगा। पारिवारिक समस्याओं का मिलकर हल निकाल पाइएगा। आमदनी में वृद्धि की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संपत्ति के मामले में सुधार हो सकता है। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। माता पिता के स्वास्थ्य का कल विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक समझौतों में सावधानी से काम लें। शत्रुओं से बचें और समझदारी से आपको कल के दिन पूरा काम लेना चाहिए। 79% तक का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी बनता है। उपाय के लिए गरीब और जरूरतमंदों में वस्त्र या धन का दान कीजिए। दिन आपका अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न अर्थात मिथुन लग्न के बारे में बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य में सुधार संभव है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी आप करेंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। शिक्षा में अच्छी प्रगति देखने को भी कल के दिन मिलेगी। संपत्ति के मामले में लाभ होने की संभावना कल दिख रही है। धैर्य और स्थिरता से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। यात्राएं सुखद होंगी और लाभकारी रहेंगी। कल का दिन आपके लिए 82% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए गरीबों में कुछ अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन मिला जुला रहेगा। साझेदारी में काम करने की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा। व्यापार में अवरोधों को दूर करने की कोशिश कीजिए। यात्रा में सामान और धन की रक्षा कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कल के दिन बड़े ऑफर पर सोच समझकर निवेश करना चाहिए। परिवार में विवाद से मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। संतान पक्ष से हालांकि खुशखबरी आपको मिलेगी। किसी अन्य काम में रुचि जो है आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग लाल और शुभ अंक 4 बनता है। उपाय के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। दिन अच्छा होगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में संतुलन आपको बनाए रखना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और संचित धन का सही उपयोग कीजिए। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाइएगा। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। समाज सेवा और दान पुण्य में आप भाग ले सकते हैं। शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। माता पिता के साथ समय बिताना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 80% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गहरा पीला बनता है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न अर्थात कन्या लग्न की बात करें। देखिए त्वचा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बहस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में समझदारी जो है वो बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में अचानक लाभ की संभावना भी मुझे दिख रहा है। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की संभावना है। संपत्ति के मामले में उचित निर्णय लीजिए जिससे कि दिन अच्छा बीतेगा। और कल वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतना चाहिए। सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कल का जो स्पीडोमीटर है 75% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की अगर आप सहायता करते हैं तो दिन आपके फेवर में रहेगा।
अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए हड्डियों और किडनी से संबंधित समस्याएं कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे, दाम्पत्य जीवन जो रहेगा सुखमय बीतेगा, आर्थिक जीवन जो रहेगा स्थिर बने रहने की संभावना दिख रही है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मतलब सहयोग वाला माहौल मिलेगा और परिवार में सफलता के लिए आप योजना बना पाएंगे। संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को सावधानी पूर्वक जांच कीजिएगा। सामाजिक दायित्व की को निभाने में आपके जो संबंध रहेंगे वो अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 80% का दिन आपके पक्ष में रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 7 और शुभ रंग गहरा गुलाबी है। उपाय के लिए गरीबों और जरूरतमंदों में मिठाई का दान कीजिए, दिन आपके लिए श्रेष्ठ बीतेगा। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्थन आप बनाए रखेंगे। निवेश और वित्तीय योजनाओं में सावधानी आपको कल के दिन बरतनी चाहिए। व्यावसायिक समझौतों को में काम को पूरी ईमानदारी से आप कर पाइएगा। संपत्ति के निवेश से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कानूनी विवादों को समझदारी से हल करने की भी कल के दिन कोशिश करें। 76% का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग मैरून बनता है। उपाय के लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न वाले जातकों के बारे में अब समझते हैं। देखिए कल हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। धन का निवेश और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। संपत्ति में निवेश से लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पिता की संपत्ति से लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यावसायिक समझौतों में सफलता मिलेगी और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा निर्णय ले सकते हैं। 82% तक का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नारंगी बनता है। उपाय के लिए कल के दिन बृहस्पति देव को पीले वस्त्र और पीले चने आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद मकर लग्न वाले जातकों पर कल का दिन कैसा बीतेगा समझते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। पुराने घर में बदलाव आप कर सकते हैं। परिवार के साथ प्रॉपर्टी में निवेश का मन बन सकता है। नौकरी में सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य के योग भी कल बनते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी में जाना आपको कल पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 73% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग गुलाबी शुभ अंक 1 बनता है। उपाय के लिए छोटे बच्चों को मिठाई बांटे और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके बाद कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य की स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखिए। रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है। सामाजिक समारोह और गतिविधियों में आप भाग ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपसी समझ आपकी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का कद्र भी आप करेंगे। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा। नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखना उचित होगा। 75% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग ग्रे बनता है। उपाय के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सा गुरुवे नमः मंत्र का अगर आप जाप कीजिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नौकरी के जो प्रयास हैं वो सफल रहने वाले हैं। व्यापार में कार्य क्षेत्र में आपका परिवर्तन हो सकता है जिससे लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की
कार्यक्रमों के योग बनते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं जिससे तनाव आपको उत्पन्न हो सकता है। अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर कल का दिन आपके लिए 80% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग मैरून और शुभ अंक 4 बनता है। उपाय के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 8 सितंबर 2024 कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।